अच्छे से ना मेरी हिम्मत में खड़े होने के तो तस्वीरें आपको हम रोड से हम साझा कर रहे हैं। रिपोर्टिंग रूम के बाहर लगातार जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, सामाजिक संगठन भी उनका साथ दे रहे हैं। जिस तरह से ये घटना यहाँ पर सुबह 2 बजे के आसपास घटित हुई थी, ये देखिए बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है अभी डटे हुए हैं लोग और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ की, आपको हम साझा कर रहे हैं सुबह से लेकर यहाँ पर ये डटे हुए हैं। सुबह के वक्त IGMC में भी परिजन पहुँचे थे। यार अपने भाई की डेथ हो गई है, हमसे मार दिया बाद में। वही आना जैसे गुड़िया कांड हुआ ना, इसमें फंसाया बाद में किसको, गोरखे को, जो असली थे वो सारे निकल गए। ये जो इसके जो पुराना सब पुलिस वालों की मिली बात थी। देखिए लोग काफी नाराज हैं क्योंकि लगभग 18 घंटे हो गए लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। और लोग यहां पर डटे हुए हैं, इकलौता बेटा था, हालांकि 2 बेटियां इनके पास है लेकिन एक ही बेटा जो है परिवार के पास था, दुखी हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जब तक 11 मिलता है हो जाता है तब तक डेड बॉडी यहाँ से जाएगी और यहाँ पर डिटेल जारी रखेंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखाना चाहते हैं। कुछ देर पहले जो पुलिस अधीक्षक है वो यहाँ पर आए थे और उन्हें आश्वासन ये दिया गया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा और उसे जो है कैद में लिया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर दी जाएगी। सवाल निशान यहाँ पर यही लग रहा है बार बार कि आखिरकार मॉल रोड जैसी जगह पर हम तो नहीं तो शिमला के मॉल रोड से तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये पुलिस कंट्रोल रूम है। आखिरी बार मनीष से जमीन से मैंने दसा करा था और ये अंदर जो शीशा है वो टूट गया था, यहाँ ये शीशा टूट गया था लेकिन हाँ
ये देख सकते हैं आप माल रोड में, ये वारदात आज सुबह 2 बजे के आसपास, सुबह या रात आप कह सकते हैं, घटित हुई, जिसके बाद से रोष अभी तक जो है लोगों में आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अड़े हुए हैं जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो यहीं पर जो है वो डटे रहेंगे। ये देखिए तस्वीरें, तो ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए बुआ, सुबह से बुआ परेशान है, आप भी बुआ हैं? बुआ हैं। अच्छा दोनों आप बोल पाएंगे ना, थोड़ा सा बात कर सकते हैं हमारे से 2 मिनट के लिए आप? ठीक है, नहीं आपने नाम बताएं सबसे पहले आप। मेरा नाम विद्या है जी। नहीं, मैं इतना जानना चाहते हैं, अभी तक नहीं पकड़ा है, जब तक नहीं पकड़ा जाए तब तक नहीं जाएंगे आप यहाँ से? क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं आपको? पुलिस वाले बोलते हैं आधा घंटे का टाइम देते हैं, आधा घंटे में आपको पूरा पता है, आधा घंटा घंटा करके बोल रहे हैं, सुबह से लेकर अब कितना टाइम होगा, हम लोग तो कभी भी मिल जाए, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जितने तक हमारे बच्चों के साथ इंसाफ ना मिले उतने तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। यही बात है, दादा क्या बोल सकते हैं, मैं से बहुत फेलियर लग रहा है पुलिस का। पुलिस वाले खुद अंदर बैठे हैं हीटर के पास, पब्लिक ठंड से मर रही, जब ये ज्यादा गर्म हो जाते तब आते बार आधा घंटे रुको, सिर्फ आधा घंटे रुको, जब ऐसे कि भी अब ज्यादा गर्म हो गए, एक बार अंदर से बाहर निकलो ना तब लगता है पता कि पब्लिक कितनी ठंड से मर रही है। पुलिस कह रही है कि हमने टीमें भेजी है बाहरी राज्यों में, विश्वास है आपको पुलिस की बात पे कि नहीं? सुबह से लेकर कितनी टीमें भेजी है, ऐसे क्या है जो आजकल तो इतनी फैसिलिटी हर चीज की है कि भाई हर चीज मिल रही है, फोटेज हर जगह मिल रहा है, जब इनको हर चीज का पता है तो ये सामने क्यों नहीं ला रहे? चलो हमने माना सुबह से हम कितने बजे से लेकर वेट कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, अब आप खुद भी समझो कि कितना विश्वास देते हैं, अगर ये लोग साथ देते तो आज बच्चा पुलिस के सामने जान तोड़ रहा है, आवाज लगा रहा है, बंदे शीशे लगा सकते हैं ठंड ना लगे, इन्होंने अपना शीशे फटाफट वहां लगवाया और खुद बाल्टी पानी की सब से निकाली धोई और बढ़िया करके नीचे ब्लड साफ किया, क्यों कि भाई हमारे सामने आगे यहाँ बढ़िया रहना चाहिए, बाकी नहीं, और आगे पीछे तो सिपाही वाले बोल रहे कि साफ करो, और आज तो फुटेज में आप खुद देखो कि खुद पुलिस वाला यहाँ पे साफ सफाई खुद कर रहा है, क्यों? अपने बचाव के लिए, ये तो गरीबों का बच्चा है ना, अगर अमीरों का पास ये शीशे जैसे सारे तोड़ फोड़ हो जाती, गरीबों को कोई नहीं देखता, गरीबों के साथ कितना अन्याय करते ये लोग। यानी पुलिस की कार्रवाई उस तरह से नहीं है जितनी होनी चाहिए, अगर कोई बड़ा आदमी होता तो जल्दी पकड़ लेते। हाँ नहीं होती, अमीर का होता ना बच्चा, मैं बोलती हूँ कितना शोर शराबा होना था और कितने फटाफट इनको कैमरे भी ऑन मिलना था, सब कुछ मिलना था, पर आज इनको कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि गरीब का बच्चा है, बाप आज जिम्स में पड़ा है, यहाँ से भी चक्के लेके तो कौन है यहाँ कार्रवाई करने वाले? हम 2 लोग हैं, हम तो चलो जितने चाहे 10 दिन लगे 15 लगे हम नहीं डेड बॉडी को नहीं ले जाएंगे जितने तक हमारे साथ निशाब नहीं होगा। अभी नहीं कहते को मकान मालिक ये अभी तक सामने नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये सारा जहाँ भी इसने तोड़ फोड़ की, जहाँ इसके साथ हादसा हुआ वहाँ भी फटाफट साफ सफाई की, क्यों? उसको भी देखना था ना, वहाँ भी ले जाना था कि भाई क्या हुआ, साफ करने के लिए तो बाद में भी कर सकते हैं। सबूत मिटाए जा रहे, सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं, सारे फुटेज बोलते तारे जल गई है, वो है धाना लगाए जा रहे हैं, तो हम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? इतनी पब्लिक हमारा साथ दे रही है पर ये प्रशासन पुलिस वाला क्यों साथ नहीं दे रहे? फुटेज दिखाई आपको? दिखाई फुटेज? हाँ, सीसीटीवी दिखाई। वही भी जो यहाँ साफ सुथरा कर रहा था, इतनी तो हल्की हल्की है, जब बच्चे पे हमला हुआ वाली फुटेज दिखाई आपको अभी तक? नहीं जी, नहीं जी, वो तो सारी सबूत ही मिटा दिए, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितने को वहाँ जाना था देखना था उतने को साफ कर दी वहाँ पे भी, और यहाँ तो पुलिस वालों ने खुद ये तो कुछ ये तो ऐसे बोलते कि वो तो कैमरे ही बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, वो वाली दिखाई नहीं? वो नहीं दिखाया, जो हथियारा है वो दिखाया आपको अभी तक? कौन सा दिखाया? कुछ नहीं, सिर्फ ये अभी तक किसी ने बेचारे ने होगा कोई गरीब आदमी हमारा साथ ही उसने बनाई वो वीडियो, जब वो पुलिस वाला वॉशिंग कर रहा है, वो किसी भी हमारे में से गरीब आदमी हो सकता है जिसने ये बनाया,
और वहाँ से फिर उन्होंने साफ करके वो फुटेज इसमें निकाली है, वो देखिए। बाकी हमारे को कुछ भी सबूत नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाया, इनके पास कुछ ही नहीं है। जब यहाँ मॉल रोड पे इतने कैमरे लगे, यहाँ सबूत नहीं है। उसने भी अब शीशा फाड़ा, आवाज दी, कुछ तो इन तक बोला होगा, ऐसे क्या है कि बोला ही नहीं होगा। इन्होंने बस सीधा ये किया कि हमारे पास कोई नहीं है, खुद अंदर है, मजे से सोए हुए, चीखते चीखते रोते रोते भी लगता है यहाँ बच्चा आया, इनको कोई पता नहीं है। तो देखिए परेशान है थोड़ा, ये बड़े आधा घंटे का टाइम दो, आधा घंटे का टाइम दो, पकड़ लेंगे। सुबह से लेकर आधा घंटा भी तक आया, हम अपनी कार्रवाई में बिजी है। अगर ये कार्रवाई कल रात को ही हो जाती तब मैडम, अगर कोई मंत्री का बच्चा होता तो अलग बात, बिल्कुल उस टाइम ही हो जाती है कार्रवाई। मंत्री का बच्चा होता है उसी टाइम सब कुछ होता है, एक गरीब आदमी का बच्चा तो कुछ नहीं हो रहा, दो घंटे के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन। और जब वो यहाँ से यहाँ तक चल के पहुँच गया, बोला भी तो है शीशा फाड़ा, इस हालत में आता है, इनके दरवाजे तक आता है, शीशा तक तोड़ता, तो क्या उसने मुंह से कुछ बोला नहीं होगा? कुछ तो बोला होगा। ड्यूटी सब करते हैं हम लोग, ड्यूटी करते हैं, पर ड्यूटी सब सारे कितनी होगी कि सोने की है, एक आदमी जगा रहता, बाकी सोए रहते, कोई बात नहीं है। तो ये तो हद ही हो गई कि भी कोई इंसाफ ही नहीं है। जो पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, डिटेन किया, हिरासत में लिया है, उससे क्या फीडबैक लिया है पुलिस ने, वो बताया आपको कि क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, ये बोला आधे घंटे तक रुको, उधर भी गए पुलिस वाले, वहाँ भी फुटेज निकल रही है, कुछ नहीं, आप रुको। मालूम है आपको किसको गिरफ्तार, सचिन को गिरफ्तार किया मालूम है आपको? कुछ नहीं, हमारे को इतना ही बोलता है कि बस हम आधे घंटे में बोलते हैं आप लोगों के लिए, बस ये। एसपी ने आपको आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं अभी तो भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा तो है नहीं ना। यानी जांच सुस्त रफ्तार से चल रही है, बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है। देखिए परेशान है और थोड़ा मनीष की जांच से खुश भी नजर नहीं आ रहे। थोड़ा थोड़ा मनीष के बारे में बताएंगे आप, कैसा था वो, क्योंकि जिस प्रकार से एकदम से ऐसा हो गया पता ही नहीं चल पाया, थोड़ा बताएंगे? उसका बहुत शरीफ था ना, वो नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता था, किसी चीज पे ये नहीं था कि हमारा खुद विश्वास है, अगर बच्चे पे कुछ भी हो तो पता लग जाता कि भाई बच्चा गलत था, कोई ना नशा करता था, बड़ा शरीफ लड़का था। अब हमें ये नहीं पता कि किस चीज के लिए क्या हुआ है, कैसे मारा, किस इस पे, वो तो पता तब लगता ना जब प्रशासन हमारे साथ देता। कभी उसने इस तरह का जिक्र किया हो कि भाई लड़ाई हुई हो यहाँ कभी किसी से? ऐसी तो सवाल इनमें कभी नहीं। अच्छा। पुलिस वाले को तो बोला हमारे को कभी भी नहीं, हमने तो एक दो दिन से फोन भी नहीं किया, क्यों कि भाई ऐसा नहीं था, वही यहीं पे सामने में रूम इसका इधर था और खुद पुलिस चौकियाँ थी, तो डर नहीं था कि भाई चलो है, ये तो किसी ने सोचा किसी से कोई उसकी लड़ाई तो नहीं हुई थी, कभी लड़ाई नहीं, ना किसी से कोई लड़ाई ना झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पीठ के पीछे पता नहीं क्या किया क्या नहीं, ऐसा कोई हमें मालूम ही नहीं। जो उनकी मम्मी है वो मम्मी है वो यहाँ बैठ नीचे बैठाई है, सदर में है, पापा एजेंसी अब यहाँ से उठा के ले गए, उनको अटैक जैसा पड़ गया, उसको थोड़ा अटैक जैसा पड़ा भाई, उसको ले गए, बीपी लो हो गया। अब कोई नहीं है, हमें दो जने यहाँ पे, हमारे लिए तो बोलता है कि आधे घंटे के बाद पता देते हैं आपको, आधा घंटा सुबह से अभी तक आया ही नहीं। तो देखिए परेशान है, ठीक है, परेशानी भी लाजमी है, सुबह से लेकर अभी तक जो है आरोपी पकड़ा नहीं है, परेशानी जो है वो लाजमी है, और क्योंकि जो परिजन है वो कह रहे हैं शरीफ लड़का जिस तरह की वारदात, जब और बताई जा रही बातें कि अभी तक क्या किया है, और अभी तक सूचना हमारे पास सूचना है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर जो है अभी तक रहा है, 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली के खाली है। हालांकि ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कब पकड़ा जाएगा अभी इसको लेकर जो है बिल्कुल खाली जो है पुलिस के हाथ है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डटे हुए हैं लोग, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है इनकी मांग है कि तब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। और ये देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, पुलिस असिस्टेंट रूम और ये इसके बिल्कुल सामने वेक एंड बेक जो फूड कैफे है वो यहाँ पर लगभग 20 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, और इतनी बड़ी वारदात जब घटित हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है वो सवाल खड़े होंगे ही। नाइट में जो है पेट्रोलिंग करती है पुलिस, गश्त पर होती है, लेकिन इस दौरान इतनी बड़ी घटना घटित होगी, पुलिस को जो है वो कानो-कान खबर नहीं लगी, तो ऐसे में इनकी परेशानी भी लाजमी है। और लोग डटे हुए हैं, लोग इनके साथ पहुंचे हैं, स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं और जो समाज सेवी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको जो है वो तुरंत से तुरंत जो है गिरफ्तारी करे। पुलिस जो है फिलहाल अभी तक जो है
जानकारी के मुताबिक जो है जिस तरह का पुलिस ने सुबह दावा किया था कि चंडीगढ़ में जो है उसकी लोकेशन पाई गई है, लेकिन अभी तक जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल इतना ही, आपको इन्हीं तस्वीर और इन्हीं अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।